जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। जनता का अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार संवैधानिक मामले लेकर आ रही है। रोजगार से लगे हुए लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं और केंद्र सरकार अनभिज्ञ बनी रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार ने विश्व मंदी के दौर में भी भारत को बचाने का काम किया था। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति अच्छी नहीं है और मुख्य रूप से केंद्र सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जनता के मुद्दों से, अर्थव्यवस्था के मुद्दों से अलग होकर आम जन का ध्यान हटाने के लिए अर्थव्यवस्था कमजोर अर्थव्यवस्थिक स्थिति से T70 इस तरीके के संवैधानिक मामले आगे लेके आ रही है। जबकि आज अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की। रोज इस देश में हजारों की संख्या में नौकरियां कम हो रही हैं, जो रोजगार से लगे हुए थे वो बेरोजगार हो रहे हैं। ये छोड़ दें कि बेरोजगार कितने हैं, बेरोजगार हैं वो तो ठीक है, पर जो रोजगार से लगे हुए थे वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश गर्दिश में है और सरकार इससे अनभिज्ञ बना रहना चाहती है, जो कि इस देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। जबलपुर से EMS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।